खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। तो चलिए आज की फिर से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सभी अंसारी और आप देख रहे हैं खबर बॉलीवुड। तो चलिए आज की बॉलीवुड की मसालेदार खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में संपन्न हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की। महाराष्ट्र पर्यटन के साथ 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन 27 अप्रैल 2023 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर में किया गया था। पिछले साल की तरह ही इस बार भी फिल्म फेयर अवार्ड्स एकदम शानदार रहा। देर रात तक चले 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में साल 2022 में रिलीज हुई फिल्मों और उन फिल्मों से जुड़े कलाकारों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अवार्ड फंक्शन की मेजबानी सलमान खान ने को होस्ट आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल के साथ की। वही समारोह में विक्की कौशल, टाइगर श्रॉफ, जानवी कपूर, गोविंदा और जैकलिन फर्नांडिस जैसे तमाम नामी कलाकारों ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस से इवेंट में 4 चांद लगा दिए। इस बार के अवार्ड सेरेमनी में गंगूबाई काठियावाड़ी और बधाई दो का जलवा रहा। फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट के अनुसार बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को तो वही बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड बधाई दो को मिला है। वहीं बधाई दो फिल्म में लीड रोल निभाने वाले राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाली आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। संजय लीला भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्टर अनिल कपूर को जुग जुग जियो के लिए अवार्ड मिला है। वहीं वध के लिए बेस्ट क्रिटिक एक्टर अवार्ड संजय मिश्रा को मिला। तो वहीं बेस्ट क्रिटिक एक्ट्रेस का अवार्ड भूमि पेंडेकर को बधाई दो के लिए और तब्बू को भूल भुलैया 2 के लिए दिया गया है। प्रकाश कपाड़िया और उत्कर्षनी वशिष्ठ को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। अक्षत गिलटालिया, सुमन अधिकारी और हर्षवर्धन कुलकर्णी को बधाई दो के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। अक्षत गिलटाल और सुमन अधिकारी को फिल्म बधाई दो के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है। तो वही अंकुश गेदाम को फिल्म झूठ के लिए बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला है। इंड्रिया कोविसिया को फिल्म अनेक के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल अवार्ड मिला है। वहीं जसपाल सिंह सिंधु और राजीव बरनवाल को फिल्म वध के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अब बात की जाए अपकमिंग मूवीज की, तो बाहुबली एक्टर प्रभास और एक्ट्रेस कृति सेनन जल्द ही फिल्म आदि पुरुष में नजर आने वाले हैं। उनकी ये मूवी कुछ ही दिनों में बड़े पर्दे पर रिलीज हो जाएगी। प्रभास और कृति सेनन की आदि पुरुष का लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इन इंतजार के बीच कृति सेनन और प्रभास ने लोगों को एक और सरप्राइज दे दिया है। दरअसल हाल ही में आदि पुरुष से जुड़ा कृति सेनन का लुक रिलीज हुआ है, जिसे देख लोग भी गदगद नजर आए। उन्होंने कृति सेनन का पोस्टर देखकर उनकी जमकर तारीफों के फूल बांधे हैं। देखते ही देखते आदि पुरुष का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। कृति सेनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आदि पुरुष से जुड़ा अपना लुक साझा किया है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए कृति सेनन ने लिखा कि अमर है नाम, जय सियाराम। इस पोस्टर में कृति सेनन की आंखों में इंतजार दिखाई दे रहा है, लेकिन कृति सेनन के लुक्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक और पोस्टर साझा किया है, जिसमें देवी सीता बनी कृति सेनन की आंखों में आंसू दिखाई दिए। इस पोस्टर को शेयर करते हुए कृति सेनन ने लिखा कि जानकी, जय सियाराम। अब एक नजर डालते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। जैसा कि उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ है। तमिल फिल्म निदेशक मणिरत्न की मच अवेटेड फिल्म पोन्नी सेल्वन 2 ने पहले पार्ट की ही तरह साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आते ही तहलका मचा दिया है। इस फिल्म को तमिल बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बम्पर ओपनिंग मिली है, जिसकी वजह से फिल्म आते ही तमिलनाडु बॉक्स ऑफिस की दूसरी टॉप ओपनर फिल्म बन गई है।
एंट्री के साथ ही थलापति विजय सारर वरीसु को टॉप ओपनर लिस्ट में मात दे डाली है। सामने आए फिल्म पोन्नियिन सेल्वन के आंकड़े बेहद ही शानदार है, जो साबित करते हैं कि फिल्म आने वाले दिनों में शानदार कमाई दर्ज करवाने वाली है। सैनिक कॉम की एक रिपोर्ट की माने तो चियान विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्ती, त्रिशा कृष्णन और जयराम रवि जैसे दमदार सितारों से सजी इस फिल्म ने थिएटर से बम्पर कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोन्नियिन सेल्वन 2 ने पहले दिन तमिल बॉक्स ऑफिस पे शानदार कमाई करते हुए अपने खाते में कुल 32 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं इस आंकड़े में तमिल बॉक्स ऑफिस से 59.94%, हिंदी बॉक्स ऑफिस से 10.20% और मलयालम बॉक्स ऑफिस से 33.23% की कुल ऑक्यूपेंस की दर मिली है। अकेले तमिलनाडु से इस फिल्म ने करीबन 21.37 करोड़ रुपए की कमाई अपने नाम की है। आज की बॉलीवुड की मसालेदार खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएल न्यूज़।